क्या आप भी अपने घर में स्टेनलेस स्टील के ग्रिल लगाना चाहते हैं? आपको भी बहुत सारे डाउट हो रहे होंगे कि किस तरह के स्टेनलेस स्टील के ग्रिल बनाने में कितना खर्च आता है। इस पे लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो लोहा के मुकाबले ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ग्रिल के मामले में खासकर आप अगर लेने जा रहे हैं तो आपको जो लोहा में जो खर्च आने वाला है उससे थोड़ा 19-20 खर्च आएगा। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, डिटेल में अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो अगर आप स्टेनलेस स्टील के इस तरह के ग्रिल लेते हैं तो इसका जो वज़न होगा और जो लोहा के ग्रिल का वज़न होगा वो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिस कारण से इसका प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हालाँकि लोग सोचेंगे कि स्टील तो बहुत महंगा है, किलो के हिसाब से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ जो हमारा आता है वो होता है इसका वज़न ज़्यादा नहीं होता है। स्टील का जो वज़न होता है वो लोहा के कंपेयर में बहुत कम वज़न होता है। इसका 18 गेज लोहा का अगर होगा तो वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आइए हम लोग इसका साइज़ देख लेते हैं, ताकि हम लोग इसका प्राइस को भी कैलकुलेट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर चौड़ाई की बात करें इस ग्रिल का, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 फीट अप्रोक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 62 इंच का इसका चौड़ाई है, और अगर हाइट की बात करें इसका, तो यहाँ पे हाइट हमारा 4 फीट का होने वाला है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड साइज होता है। सभी के घरों में अप्रोक्स 5-4 के ग्रिल देखने को मिलते हैं। तो इस साइज में चलिए अभी हम लोग इसको देखेंगे वेट करके कितना इसका वज़न हो रहा है, क्योंकि वज़न पे ही सारा खेल होता है। वज़न अगर आपका कम ज़्यादा होगा तो आपका प्राइस भी ज़्यादा होगा, वज़न कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। तो चलिए फटाफट इसको वज़न कर लेते हैं और देखते हैं इसका कितना प्राइस हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको वज़न के लिए कांटे पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वज़न जो इसका आ रहा है यहाँ पे 13 kg 700 आ रहा है अप्रोक्स, 14 kg आप इसको मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 14 kg यहाँ पे इसका वज़न आया है, तो ये हालांकि 18 गेज में बना हुआ है, इसका मजबूती में कोई कमी नहीं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप 18 गेज का स्टील बनवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि स्टील का जो हार्डनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है लोहा के मुकाबले। तो आइए देख लेते हैं इसका प्राइस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये 14 किलो हुआ है, तो अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है तो 350 से 400 रुपये पर केजी आपको देखने को मिलेगा 202 ग्रेड स्टील का। अगर 304 ग्रेड स्टील का होगा तो वो 400 से 500 रुपये पर केजी के आसपास सभी जगह पे देखने को मिल जाता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका प्राइस कितना हो रहा है।